मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक का शराब के नशे में वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर लोग प्रधान आरक्षक की इस करतूत पर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपके शहर सागर में सागर रेसिडेंसी लाए हैं TNCP एवं रेरा से मान्यता प्राप्त सर्व सुविधा सहित आवासीय कॉलोनी, सभी साइज के प्लॉट उपलब्ध, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता है सागर रेसिडेंसी बहेरिया तिराहा सागर। दरअसल शराब के नशे में प्रधान आरक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद SP छतरपुर के द्वारा संबंधित प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मामले की जांच लवकुश नगर SDOP को सौंप दी गई है। बता दें कि एक फोर व्हीलर में प्रधान आरक्षक राम सजीवन राजपूत आगे की सीट पर सवार थे, वहीं एक दूसरा शख्स गाड़ी चला रहा था। तभी चंदला कस्बे में उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से पिछले हिस्से से टकरा गई। इसकी वजह से वहां भीड़ जमा गई और फिर जब लोगों ने देखा तो प्रधान आरक्षक शराब के नशे में थे और लोगों से बहस करते नजर आए। जब लोगों ने उनकी कार की सीट देखी तो उसमें बियर की बोतल रखी थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद SP ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जरा आप भी देखें इस वीडियो को। आप लोग तो बहुत ध्यान देते हो, किसी को दारू पी के गाड़ी न चलाइए। आप दारू पी हो? दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, चालान कर देते हैं। सत्ता गाड़ी किसी का बना दारू पी। नाम बताएंगे, नाम पूछो करें। ज्यादा होशियार न बन, ज्यादा होशियार न बन। मैं यही चलना कहूँ, मैं भी तुझे चलूँ, मैं भी चलना कहूँ। तो कानून संविधान सबके लिए एक ही होता है। हम कहे कानून का वो करेगा? अरे ये कटारी, मैं भी आपको दूंगा। मेरा चालान कटा था तो कानून के लिए दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है? कटवा दो, हम कटवा कटवा लेंगे। अरे बहुत कटेगा ये मोबाइल। नाम पूछा, नाम बताओ, नाम बताइए आप। ये दारू की बोतल बियर किंग पिसार। नाम पूछा, नाम बताओ। सोशल मीडिया का जमाना है, आपका बैच नंबर कहाँ है? नाम बताओ पहले, नाम बताओ। ये देखिए मध्य प्रदेश पुलिस के एक एक वीडियो इस प्रकार का सामने आया था और संज्ञान में आते ही उसकी प्राथमिक तस्दीक करने के बाद उस प्रधान आरक्षक को निलंबित किया गया है और पूरे वीडियो के संबंध में जांच SDOP लवकुश नगर को सौंपी गई है। जांच का निष्कर्ष आने के बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर आपके नशे में था सर? वो पूरी जब जांच होगा उसके बाद में पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। प्रथम दृष्टया वीडियो में ऐसा लग रहा है कि शराब का सेवन किए हुए थे, लेकिन जांच पूरी होने के बाद में हम कुछ कर पाएंगे। फिलहाल अब पूरे मामले में जांच के बाद इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। मुकेश यादव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर।